हेलो स्टूडेंट्स, दसवां वीडियो है ये डिफरेंशिएबिलिटी का और हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस का ये पांचवा वीडियो है। पहले वीडियो में बेसिक्स की जानकारी दी गई थी, डेफिनेशन, मॉडिफाइड डेफिनेशन, फंडामेंटल फार्मूला फॉर डिफरेंशियल। दूसरे वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस की बात हो रही है, इसके दूसरे वीडियो में नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी की चर्चा हुई थी। कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, और उस पर एक एग्जाम्पल बताया गया था। तीसरे वीडियो में नेसेसरी कंडीशन के कंट्रा पॉजिटिव की चर्चा की थी हमने। नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, यदि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़े थे, चार एग्जांपल्स देखा गया था। चौथे वीडियो में नेसेसरी कंडीशन का कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, इस पर बेस्ड हम लोग तीन एग्जाम्पल्स देखे थे, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। और ये पांचवा वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्ट अप्रोच फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब जैसे कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो डायरेक्ट अप्रोच ही होगा, डायरेक्ट अप्रोच मतलब वही जो डेफिनेशन है, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक रास्ता था कि कोई पार्शियल ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कोई भी अगर एग्जिस्ट ना करे, कोई भी से मतलब है चाहे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाला, चाहे विथ रेस्पेक्ट टू वाई वाला, चाहे दोनों एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा था कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन ये सब रास्ते हमको नहीं पकड़ने, डायरेक्ट अप्रोच की हम बात करेंगे। जो डेफिनेशन होता है उसी से हम डिफरेंशिएबिलिटी, उसी से हम नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें। आई थिंक 7 एग्जाम्पल्स हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। टू शो दैट एफ इज डिफरेंशिएबल, एट 0, 0, वेयर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस वाई स्क्वायर साइन 1/y व्हेन एक्स इंटू वाई नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर साइन 1/x When x not equal to 0, y equal to 0, y square sine 1/y, when x equal to 0, y not equal to 0, and 0, when x equal to 0, या ऐसे लिख लें, when x equal to y equal to 0, ये जहाँ x square लिखा है वहाँ x लिख दो, जहाँ y square लिखा है वहाँ y लिख दो, तब जो क्वेश्चन बनेगा ये हम लोग कर चुके हैं। और अब इसे देखें, उस क्वेश्चन में क्या था, शायद कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, मुझे ये ध्यान आ रहा है। यस, कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, चूंकि डिफरेंशिएबल है इसलिए कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। तो ये डेफिनेशन दिमाग में बैठा लीजिए, आइए शुरू करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं, 0, 0 पे पहला पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स 0, 0, बाई डेफिनेशन इट इज लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ एट 0, 0 अपॉन एच,
equal to limit h tends to 0 f of h 0 upon h. F of 0, 0 is given to be 0. Since f of 0, 0 is equal to 0, equals to limit h tends to 0, 1 by h और इसके बाद इसकी वैल्यू f of h 0, x आर्गुमेंट नॉन जीरो है, y आर्गुमेंट जीरो है. तो जब x आर्गुमेंट नॉन जीरो हो, y आर्गुमेंट जीरो हो, तो डेफिनेशन कौन सा है? आई थिंक x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, उस लिहाज से ये हो जाएगा h स्क्वायर साइन 1 बाई एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 अपॉन h. ये बहुत मशहूर लिमिट है और इंटरमीडिएट से आपके सामने आना शुरू कर देती है. इस हिस्से की लिमिट कितनी होगी? 0. और ये हिस्सा बाउंडेड फंक्शन है तो दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट भी 0 होगी. तो ये हो गया 0. कारण लिखना चाहे तो आप लिख दें, सिंस लिमिट h टेंस टू 0 h इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा, थीटा इज हियर 1 बाई एच, इज बाउंडेड. एक रिजल्ट होता है, मैं उसकी चर्चा फिर से कर दे रहा हूं. यदि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x 0 के बराबर हो और g ऑफ x बाउंडेड फंक्शन हो, देन द सेम लिमिट फॉर f ऑफ x इंटू g ऑफ x इक्वल्स टू 0. इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है और इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है, ये आपको जानना चाहिए. तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमने कैलकुलेट कर लिया. अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करिए. सिमिलरली एफ वाई एट 0, 0 इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 f 0 कामा 0 प्लस k माइनस f 0, 0 अपॉन k इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0 k अपॉन k. f ऑफ 0, 0 को हमने 0 कर दिया. इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 1 बाई k इंटू, देखो इसमें x आर्गुमेंट 0 है, y आर्गुमेंट नॉन 0 है. तो y आर्गुमेंट नॉन 0 हो तो कौन सा डेफिनेशन लगेगा? तीसरा वाला, y स्क्वायर साइन 1 अपॉन y. तो y की जगह k रखते हुए इसको लिखिए k स्क्वायर साइन 1 बाई k. दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 k इंटू साइन 1 बाई k. सिमिलर लिमिट इज हियर इक्वल्स टू 0. अब वो एक्सप्रेशन देखा जाए, डेल्टा एफ को हम एफ एक्स 0, 0 इंटू एच प्लस एफ वाई 0, 0 इंटू के प्लस एच फाई प्लस के साई के रूप में लिख सकते हैं क्या? जहां फाई और साई दोनों 0 को टेंड करें. When ordered pair h k tends to ordered pair 0, 0. Let us see. Now, f of 0 plus h, वही delta f जिसको कहते हैं ना, delta f. F of, x और y पर नहीं लिख रहा, हम 0, 0 पर लिख रहे हैं. 0 plus h, 0 plus k, f of x plus delta x y plus delta y जैसा हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई यानी माइनस एफ ऑफ 0, 0 की वैल्यू कितनी होगी? एफ ऑफ, इसको लिख दीजिए आल्सो ऐसा, एफ ऑफ एच के और माइनस 0. और एफ ऑफ एच के कितना होगा? फर्स्ट डेफिनेशन लागू होगा, पहला वाला, x इंटू वाई नॉन जीरो है, h नॉन जीरो, k नॉन जीरो, दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो. पहला डेफिनेशन लागू करिए, क्या था वो?
एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वन बाई वाई, यानी एच स्क्वायर साइन वन बाई एच प्लस के स्क्वायर साइन वन बाई के। फुल स्टॉप। नाउ डेल्टा एफ इज एच स्क्वायर साइन वन बाई एच प्लस के स्क्वायर साइन वन बाई के इज एक्सप्रेसिबल एज डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स एट जीरो जीरो डॉट एच प्लस एफ वाई एट जीरो जीरो डॉट के प्लस एच इंटू फाई, या ऐसे लिखे एच इंटू एच साइन वन अपॉन एच प्लस के इंटू के साइन वन अपॉन के। जरा चेक कर लीजिए, एफ एक्स जीरो जीरो की वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू एच जीरो हो गया, इसकी वैल्यू भी जीरो है जीरो इंटू के जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो और प्लस एच स्क्वायर साइन वन बाई एच और प्लस के स्क्वायर साइन वन बाई के। दैट इज डेल्टा एफ इक्वल टू एफ एक्स एट जीरो जीरो डॉट एच प्लस एफ वाई एट जीरो जीरो डॉट के प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई। उसी रूप में हम लिख दिए, बस देखना ये कि फाई साई मस्ट टेंड टू जीरो व्हेन ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंड्स टू ऑर्डर्ड पेयर जीरो जीरो, वेयर फाई किसको लिखा है आपने, एच साइन वन बाई एच कामा साई किसको लिखा है के साइन वन बाई के, बोथ टेंड टू जीरो एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंड्स टू ऑर्डर्ड पेयर जीरो जीरो, है कि नहीं ऐसी बात। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दिस इक्वल टू जीरो मीन्स दिस टेंड्स टू जीरो व्हेन एच टेंड्स टू जीरो, सिमिलरली दिस टेंड्स टू जीरो व्हेन के टेंड्स टू जीरो। तो जो डेफिनेशन होता है डिफरेंशिएबिलिटी का वो पूरा पूरा उतर गया, अतः हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दस एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो, ये था कंप्लीट सोल्यूशन। ये डिफरेंशिएबिलिटी का डायरेक्ट अप्रोच वाला एग्जांपल था, अब आइए एक दो एग्जांपल हम देखें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की डायरेक्ट अप्रोच वाला। ठीक, समझ में आ गया ना, ऐसा ही पहला एग्जाम्पल है जिसमें डायरेक्ट अप्रोच लगा है डिफरेंशिएबिलिटी पे, नहीं तो बातें सब घुमा के फिरा के हो रही है। एग्जाम्पल एट हो गया, एग्जाम्पल नाइन, टू शो दैट एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो वेयर एफ एक्स वाई इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो 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 एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो। तो आपको पता है कैसे करते हैं, कंट्रडिक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, मान लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बाद में हम लिख देंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल
एट 0 0, देन डेल्टा एफ जो कि एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ एट 0 0 होता है, कैन बी रिटन एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो भी लिखना है, कैन बी रिटन एज डेल्टा एफ इक्वल टू एफ एक्स एट 0 0 डॉट एच प्लस एफ वाई एट 0 0 इंटू के प्लस एच फाई प्लस के साई नंबर वन, वेयर फाई कामा साई बोथ टेंड टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0। अब चलिए हम 0 0 पर एफ एक्स यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालें, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालें। नाउ एफ एक्स एट 0 0 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच 0 अपॉन एच सिंस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0 गिवन। डेफिनेशन में लिखा है ना कि जब एक्स वाई 0 0 होगा, यहाँ रखे 0 0 तो एफ 0 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 वन अपॉन एच इंटू एफ ऑफ एच 0 की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, एच क्यूब माइनस 0 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 0। तो देखो नीचे भी एच क्यूब हो गया, एच क्यूब अपॉन एच क्यूब वन, वन की लिमिट लेंगे तो फिर वन आएगा, तो ये आ गया वन कामा। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट 0 0 इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कामा 0 प्लस के माइनस एफ एट 0 0 अपॉन के इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 के अपॉन के एफ ऑफ 0 0 0 है इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू 0 वन अपॉन के ब्रैकेट एफ ऑफ 0 के की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था ना, तो अगर 0 माइनस के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 प्लस के स्क्वायर, तो नीचे के क्यूब हो गया, के क्यूब से कैंसिल हो गया, माइनस वन बचेगा, माइनस वन की लिमिट लेंगे तो माइनस वन ही आएगा, ऐसा हो गया। पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन putting these values in one we have, तो वन में डेल्टा एफ जहां लिखा है वहां वो डेल्टा एफ की वैल्यू लिखिएगा, यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस एच कामा 0 प्लस के माइनस एफ एट 0 0 इज इक्वल टू एफ एक्स एट 0 0 वन आया था तो हो गया वन इंटू एच एफ वाई एट 0 0 माइनस वन है तो जाएगा माइनस वन इंटू के प्लस फाइव एच प्लस साई के, दैट इज एफ ऑफ एच के ये इसकी वैल्यू 0 है इक्वल टू एच माइनस के प्लस फाइव डॉट एच प्लस साई डॉट के, दैट इज f ऑफ एच के को क्या लिखते हैं हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी एच क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस के प्लस फाइव डॉट एच प्लस साई डॉट के। नंबर टू वेयर एच एंड के आर आर्बिट्रेरिली
arbitrarily positive, arbitrarily positive small numbers, and phi comma psi both tend to zero as ordered pair HK tends to ordered pair 0 0. Letting K equal to MH, we have H cube minus M cube H cube upon H square plus M square H square is equal to H minus MH plus phi dot H plus psi dot MH. नीचे वाला एच स्क्वायर ऊपर वाले एच क्यूब काटेगा तो यहाँ एच बचेगा, वो एच दाहिने तरफ के एच से कैंसिल हो जाएगा. एच फ्री एक्सप्रेशन आपको प्राप्त हो जाएगा. इम्प्लाइज दैट वन माइनस एम क्यूब अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एम प्लस फाइव प्लस एम साई. टेकिंग लिमिट as ordered pair HK tends to ordered pair 0 0. इसमें H के कुछ है ही नहीं, independent limit है. 1 minus m cube upon 1 plus m square equal to 1 minus m, बस phi psi दोनों tend कर गया 0 को, है ना. Since phi और psi दोनों tend हो गए 0 को as ordered pair HK tends to ordered pair 0 0. तो जो रिजल्ट आया है वो आर्बिट्रेरी m के लिए ट्रू नहीं है. ये आर्बिट्रेरी, ये m बराबर 1 लेंगे तभी ट्रू आएगा, और कुछ भी लेंगे ट्रू नहीं आएगा. विच इज इट इज नॉट ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी m. दस आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग. दस आवर सपोजिशन जो हमने सपोज कर लिया था कि लेट अस सपोज दैट या लेट एफ बी डिफरेंशिएबल, दस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग. एंड सो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0. इट कंप्लीट्स द सॉल्यूशन. समझ में आया होगा आपके, मुझे ऐसा लगता है. कुछ इसमें खास बात नहीं है. तो पहला एग्जांपल हमने बताया, उसमें डायरेक्ट अप्रोच फॉर डिफरेंशिबिलिटी था. दूसरे एग्जांपल में डायरेक्ट अप्रोच फॉर नॉन डिफरेंशिबिलिटी पे न्यूमेरिकल और देखें, इसी पे ज़्यादा न्यूमेरिकल दिखाई पड़ते हैं. एग्जाम्पल 10 ऐसा ही है बिल्कुल. टू शो दैट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0. डेफिनेशन में x और y का प्रोडक्ट है, दोनों आर्गुमेंट का प्रोडक्ट है. यानी किसी भी कैलकुलेशन में चाहे x 0 हो चाहे ये आर्गुमेंट 0 हो, फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी. ये अभी से हम भाप लिए इसलिए थोड़ा सा एक दो डेटा हम डायरेक्ट लिख देंगे. लेट F be differentiable at 0 0. Then delta F
कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज डेल्टा एफ विच इज एक्चुअली एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस के माइनस एफ एट जीरो जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स एट जीरो जीरो इंटू एच प्लस एफ वाई एट जीरो जीरो इंटू के प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई, दैट इज थोड़ा सा ही सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, दैट इज एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो कितना होगा जीरो ना, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो इक्वल्स टू ये सब कैलकुलेट करना है दोनों, एफ एक्स एट जीरो जीरो इंटू एच प्लस एफ वाई एट जीरो जीरो इंटू के प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई, दैट इज एफ एच के की वैल्यू लिख दीजिए अंडर रूट मॉड एच के इक्वल्स टू एफ एक्स एट जीरो जीरो इंटू एच प्लस एफ वाई एट जीरो जीरो इंटू के प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई नंबर वन, वेयर फाई एंड साई आर फंक्शंस ऑफ एच एंड के टेंडिंग टू जीरो व्हेन ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंड्स टू ऑर्डर्ड पेयर जीरो जीरो, वेयर फाई कामा साई टेंड टू जीरो एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंड्स टू ऑर्डर्ड पेयर जीरो जीरो। अब हम एफ एक्स एट जीरो जीरो एफ वाई एट जीरो जीरो कैलकुलेट करेंगे जो कि बड़ा बहुत ही ऑबियस है ना, तो या तो चाहो तो डायरेक्ट कर देना इसको ऐसे, इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो प्लस एच फाई प्लस के साई, कारण हम लिख दे रहे हैं सिंस एफ एक्स एट जीरो जीरो इक्वल टू जीरो एफ वाई एट जीरो जीरो इक्वल टू जीरो, इसी के कारण एक्स इंटू वाई है ना, तो एक्स इंटू वाई में चाहे एक्स आर्गूमेंट चाहे वाई आर्गूमेंट कोई भी जीरो हो तो वैल्यू जीरो आएगी। देखो जब आप एफ एक्स एट जीरो जीरो निकालोगे तो याद करो अभी दो सवाल किया ना आपने, यह आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच एफ ऑफ एच जीरो, ये आएगा। तो चूंकि वाई आर्गूमेंट जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, ऐसे ही एफ वाई जीरो जीरो में यहाँ जीरो आएगा यहाँ के आएगा। पुटिंग के इक्वल टू एम एच, थोड़ा लैंग्वेज में कंजूसी कर ले रहा, पुटिंग के इक्वल टू एम एच वी है अंडर रूट मॉड एम एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच फाइव प्लस एम एच साई, इंप्लाइज दैट अंडर रूट मॉड एम इक्वल टू फाइव प्लस एम साई, टेकिंग द लिमिट एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू जीरो, दैट इज एज ऑर्डर्ड पेयर एच एम एच टेंस टू जीरो, यहां पर लिखे टेंस टू जीरो जीरो टेंस टू जीरो जीरो, दैट इज एज एच टेंस टू जीरो वी हैव अंडर रूट मॉड एम इज इक्वल टू जीरो प्लस एम इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस एम इंटू जीरो लिख करके फिर लॉजिक लिख दीजिए सिंस फाई एंड साई बोथ टेंड टू जीरो एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर जीरो जीरो, इंप्लाइज दैट अंडर रूट मॉड एम इक्वल टू जीरो विच इज नॉट ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी एम, एम इक्वल टू जीरो के लिए केवल यह सत्य है, बकिया एम की कोई और वैल्यू रखेंगे तो यह सत्य नहीं होगा, विच इज नॉट ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी एम। इसका मतलब हमारा सपोजिशन गलत था,
हमने फंक्शन को डिफरेंशिएबल मान लिया था, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हेंस एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 0। तो ये तीन एग्जांपल्स का वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हम सफिशियंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, नेसेसरी कंडीशन पढ़े हुए दो तीन वीडियो पीछे हो गया ना, अब सफिशियंट कंडीशन की बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।